चलिए शुरू से। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको आ जाएगा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सेकेंड पार्ट का, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम पहला क्वेश्चन बताए थे, जिसमें बताया कि इनकम स्टेटमेंट, पहले नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाइए जिसमें दो कॉलम ऐड कर दीजिए और दूसरे में डिफरेंस निकालिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। बता भी दिए थे, बना के बता भी दिए थे, और आप लोग आंसर भी मैच कर लिए, आंसर मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत। कई बार कोई मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल है, ये खाली एक्स्ट्रा, आप खाली ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे खाली मिस्टेक जो मत कीजिएगा, 2019 को बेस बनाया जाता है, इसको बेस बनाया जाता है, इसको नहीं, कभी भी। तो 100 रुपया का चीज आप 120 में बेचे तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट 20% हुआ। इसको कंपेरिजन किया तब ना, इससे कंपेरिजन नहीं करते हैं, कंपेरिजन बेस से करते हैं, नहीं समझे आप? मतलब परसेंटेज कैसे यस निकाले, सर। 20/100 × 100 किए, नहीं, यहाँ पर हम 120 नहीं लिए, तो बेस बनाया जाता है परचेज को, ना कि सेल्स को, पक्का? इसलिए 2019 को बेस बनाया जाएगा, 20 को बेस नहीं बनाया जाएगा, पक्का? वही बताया है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द गुडलक लिमिटेड। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, कंपेरेटिव हटा देंगे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस और रेट ऑफ टैक्स। तो सिंपल है, ऐसे ऐसे बनाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, बन गया इनकम स्टेटमेंट। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, दो कॉलम यस एक्स्ट्रा सर। बनाएंगे, दो कॉलम में तो नॉर्मल आएगा और फिर दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, इस दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, इस अंतर को 100 से गुना करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, एकदम इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। रिवेन्यू फ्रॉम यस ऑपरेशन सर। दिया हुआ है, एकदम बेसिक है, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब इम्प्लॉय एक्सपेंसेस दिया हुआ, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ, टैक्स दिया हुआ है, तो बस ये दोनों एक्स्ट्रा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लेस टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पक्का? इसको होमवर्क में देंगे, कल बनाइएगा और फिर मैच कीजिएगा, आज इसका आंसर मत देखिए, पक्का? कल मैच कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या मन में किसी को? रुजदा क्या बात कर रहे हैं, बताइए, कुछ पूछना है क्या? कुछ नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, बात करना है तो उससे कर लीजिए बात, कितना देर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कैसे नहीं किए थे क्या उस दिन? आप लोग समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर दें। नो सर, समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है आ ना? रहा ठीक है, बिहार बोर्ड आप लोगों को झूठ मत बोलिए, समझ में आ रहा है सब कुछ? सुमन सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सॉरी करिश्मा, यस सर। यस सर। एक्चुअली देखिए, आपको इसलिए समझ में नहीं आया करिश्मा, क्योंकि जो चैप्टर है ना, इसके पहले से रिलेटेड है, आप इनकम स्टेटमेंट और वो पढ़े ही नहीं, पढ़े हैं इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट कैसे बनता है? इससे पीछे वाला लेक्चर तो देखे ही नहीं है। हाँ, तो इसके लिए अब प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इजी है, बस जो आप कंपेरेटिव अगर स्टेटमेंट बनाने सीख गए ना, वो मेन जो स्टेटमेंट बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद आपको खाली दो कॉलम उसमें ऐड करना होता है, समझे आप? यस सर। कहने का मतलब यही हो गया कि मसाला मम्मी क्या करती है, जीरा मिर्चा धनिया सब मिला करके मिक्स करके दे दिए, खाली आपको तेल में खाली मेथी देना है, छौंका लगाना है, भूज के पानी दे देना है। मेन तो मेहनत था मसाला बनाने में, थी तो पिछले चैप्टर में बना, सही? यस सर। अभी हम कितनों बोल देंगे कि इसको छौंक दो तो आप थोड़ी ये चीज नहीं ना सीख पाएगा, इसके लिए पिछला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। करिश्मा समझ रहे हैं आप, ये तो छौंका यस लगाने लगे लगता है, बर्तन आवाज कर रहा है। इसके लिए करिश्मा क्या कीजिए, आप पहला लेक्चर देख लीजिए, समझे आप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, पोजीशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें खाली दो कॉलम खाली ऐड कर रहे हैं, समझे? देखने से डरावना लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, डरावना तो इसके पहले वाला था, सही? कभी कभी देखिएगा, लड़की लोग बोलती है सब्जी हम बनाए हैं, लेकिन नोटिस कीजिएगा मम्मी क्या करती है, सब मसाला मिला करके पीस करके दे देती है, और आपको खाली क्या रहता है, भुनना रहता है, नहीं? लेकिन आप क्या फील करते हैं, सब्जी हम बनाए हैं। एक्चुअली सब्जी बनाने में मेन कला क्या होता है, मसाला का कॉम्बिनेशन, कौन मसाला कितना होना चाहिए था, और वो काम मम्मी करके आपको कटोरा में मसाला दे दिए, गलत की सही? और आपको क्या लगता है सब्जी हम बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली सब्जी में मेन चीज वही था। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट अपने आप में तो कुछ है ही नहीं, मैकेनिकल वर्क है, जो था आपको मेहनत किसमें था, इसके पहले वाले चैप्टर में था, क्या सही गलत अर्चिता? यस सर। सही।
तो करिश्मा इसके लिए आप पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इसको समझाने से आप नहीं समझ पाइएगा, इसको इसके लिए पिछला लेक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, और शाम में आइए, शाम में बता देंगे कैसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, शाम में आइए। अरे ठीक है, ठीक इतना एटीट्यूड में बोलिएगा। ठीक है नहीं समझे? ठीक है सर। हाँ इसे बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कैमरा अच्छे ऑन कर लेंगे, कैमरा बिना देखे बोल रहे हैं इसके लिए, नहीं जो नहा के नहीं आया इसके लिए कैमरा ऑन नहीं किया आज, ये समझे। चलिए बोलता है प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 19 और 20 का आपको डेटा बनाना है, इनकम स्टेट बनाना है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज और अदर एक्सपेंसेस। याद आ, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, याद आ रहा चेंजेस इन इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझाए थे, याद आ रहा समझाए थे कैसे करके बताए थे, प्रैक्टिस किए थे आप लोग? अरे बोले थे कि अलग से एक लेक्चर लेंगे, फिर बाद में समझाए थे चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। सैली याद आ रहा है आपको? नो सर नहीं याद। अरे बाप रे, एक दिन नहीं बताए थे कि आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में चेंजेस इन इन्वेंटरी भी दिया हुआ है। जब फॉर्मेट बता रहे थे तो परचेज तो हमारा एक्सपेंस है और ये चेंजेस इन इन्वेंटरीज क्या है बताए नहीं थे आपको, कि हम लोग जो सीओजीएस लेते हैं तो सीओजीएस में क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद आया? तो हम लोग बोले थे कि परचेज को हम लोग अलग से ले लेते हैं और इस दोनों का जो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लगता है रहता है उसको हम लोग चेंजेस इन इन्वेंटरीज में लेते हैं, याद आया? यस सर, आगे समझाया नहीं था आप लोगों को, याद आया? यस समझाया, तनु याद आया कि नहीं आया? तो कहने का एग्जांपल भी लिए थे कि सपोज कीजिए ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 है और हमने क्या सपोज कीजिए 1,00,000 का परचेज किया और 20,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो सीओजीएस कितना आएगा, 1,10 - 20 90,000 आएगा, मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नेट इफेक्ट कितने का आ रहा है, 90,000 का। पक्का समझ में आया लॉजिक? yes, हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, 1,00,000 को यहाँ ले ले रहे हैं, 1,00,000 को हम यहाँ ले ले रहे हैं परचेज में और चेंजेस इन इन्वेंटरीज को यहाँ ले ले रहे हैं 10 - 20 - 10। पक्का याद आया नहीं याद आया? ऑनलाइन याद आ रहा है आप लोग? आलोक याद आया? yes, sir, तो बस वही है, तो फॉर्मेट में है, ऐसे भी फॉर्मेट में सेट कर दीजिए और अदर एक्सपेंसेस, तो इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे। अच्छा अदर एक्सपेंसेस में घुमा करके दिया है 10% ऑफ द सीओजीएस, तो सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें से कि इस दोनों का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। पक्का हां, इसे परचेज ऐड कर देंगे, सीओजीएस आ गया उसका 10% ले लेंगे तो हमारा अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर, मेन ये दो, मेन इस दो लाइन को समझना है, इस दो लाइन को समझना है, दोनों सीओजीएस का मिक्स रूप है, इसको अलग अलग कर दिया है। पक्का? और हम लोग जब 11 में पढ़ते थे तो ये तीनों को तीन रूप में लेते थे, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लेते थे, परचेज को यहाँ लेते थे, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लेते थे। पक्का? तीन को दो किए तो सीओजीएस ले लिए, यहाँ पे कंपनी में दो कर दिए, परचेज को अलग कर दिए और स्टॉक का डिफरेंस को अलग ले लिए, हो गया। तो तीन तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग, तीन भाग में, दो भाग में, एक भाग में। तीन भाग में कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं, दो भाग में ले रहे हैं तो परचेज को अलग ले रहे हैं और ओपनिंग क्लोजिंग को अलग ले रहे हैं, एक भाग में ले रहे हैं तो सीओजीएस ले रहे हैं। पक्का? नेट इफेक्ट तो सेम ही आने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समझा चुके हैं पहले हम एक बार इसको। पक्का? उसके बाद जो बोलता है टैक्स, तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्या था, ये दो चीज नया नहीं है, ये तो आपको उसमें प्रैक्टिस करवाए थे हम, ये तो क्वेश्चन भी आया था ऐसा, हम समझाए भी थे। उसके बाद क्या करना है आपको, अदर एक्सपेंसेस लेना है, तो सीओजीएस निकाल लेना है, सीओजीएस का 10% अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका। पक्का? यस सर। देखिए 30,000 और यहाँ 42,000, 30 + 30 3,00,000 हुआ, 3,00,000 का कितना है 10% है, तो 10% कितना आएगा, 30,000। अब पूरा मत देखिए, नहीं तो प्रैक्टिस क्या कीजिएगा आप। पक्का समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो होमवर्क दे दें इसको। यस सर।
चार नंबर बहुत इजी है एक्चुअली, देख करके जो आंसर ऐसा देखते ना ऐसा करके डर लगता है, झुट्टो का है समझे आप। कभी कभी देखिएगा ट्रैक्टर पे भूसा लोड होता है, भूसा पूरा बाहर तक लगता है कितना भारी है, एक्चुअली है कुछ नहीं झुट्टो, भूसा भरा हुआ है, देखने से लग रहा है बहुत भारी है, और कभी कभी आपको लगेगा बड़का ट्रक है। आप लोग बहुत बात कर रहे हैं आगे तीनों, आदर्श खड़े हो जाइए। और क्या नाम है, जिसान नाम है, क्या नाम है, एहसान क्या नाम है, एक बगल में हरिओम खड़े हो जाइए। तीनों में आप लोग अपने आप में बोलिए सबसे ज्यादा बात कौन कर रहा था, अपने कस लीजिए हम सब देखे हैं। आपका नाम आदर्श कौन रख दिया, हीरो आदर्श कौन रखा आपका नाम, उसको खुश खिलाइए आप। और हरिओम यहाँ भजन करने यहाँ आते हैं आप, इधर फर्स्ट बेंच में उठा देंगे, इधर समझ में आया, बैठना है फर्स्ट बेंच में, इधर रिलैक्स लग रहा है ना उधर, हाँ तो हमको भी रिलैक्स दीजिए, बात मत कीजिए, बैठिए। गुटर गुटर कर रहा है, चलिए। तो कहने का मतलब आप देखिए कभी कभी तो कोई ट्रक होता है ना, देखिए पूरा ट्रक भूसा से भरा होता है, कभी कभी देखो साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला पूरा ओवरलोड हो जाता है, मालूम पड़ता खाली फोपी भरा हुआ है, फोपी समझते हैं आप, क्या होता है फोपी, यस सर, हाँ क्या बोले संध्या सर, वो फिंगर में लगाया खा जाता है बच्चों में, था पांच उंगलियां जैसे नाखून की तरह, और खाने में बड़ी मजा आता था, यस तो पूरा लोड करके ले जाता है, लगता है साला कितना भारी है, भारी नहीं है एक्चुअली, वो एकदम हल्का रहता है समझे। Yes, sir. उसी तरह ही क्वेश्चन इसी तरह का ही, चैप्टर देखने से बड़ा लग रहा है कि है कुछ हो नहीं, खलिया है समझे आप, पक्का तो डरना नहीं है। चौथा नंबर बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो कंपेयर करना है तो पहले हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, पक्का नॉर्मल बनाने के बाद कंपेयर करेंगे, नहीं तो नॉर्मल में क्या होता है इनकम होता है और एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, पक्का यही होता है ना, एकदम ईजी है। इसमें से देखिए घुमा घुमा के दिया होता है, रिवेन्यू बोलता है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स दिया हुआ, इनकम दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, तो अदर इनकम को यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं इनकम में क्या करते थे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम जोड़ देते थे, यहाँ लिखते थे नो सर, कौन बोले नो सर, कौन बोले सर, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सहेली है गलती से, हाँ अरे इनकम स्टेटमेंट में क्या था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था और अदर इनकम था, बस दो ही तो इनकम था, उसका बाकी तो खाली एक्सपेंस था, तो इनकम एक्सपेंस करते थे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, लेस टैक्स करते थे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, इतना ही तो था, इससे ज्यादा कुछ था सर, हमको अदर एक्सपेंसेस बोले इसलिए नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, 10 लाख में क्या करेंगे 20,000 ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम 10-20 हो गया, और 15 लाख में 24,000 ऐड कर देंगे टोटल इनकम 15-24 हो गया, बाकी एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और माइनस टैक्स करेंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा ईजी है, देखने से बड़ा लग रहा है पहले ज्यादा ईजी है, क्योंकि घुमा कुछ नहीं दिया हुआ, सब डायरेक्ट दिया हुआ है, पक्का तो पहले वाले ज्यादा ईजी है, तो बस दोनों को बना लेंगे बाद में कंपेयर कर देंगे। इसे पता है बहुत को लग रहा होगा क्या, बहुत फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों, पता है कि पहला चैप्टर जो नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पिछला से रिलेटेड है, पक्का क्या भारती आपको भी डर लग रहा है, नहीं आप पहला लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा आपको, डर क्यों रहे हैं आप, हाँ ऋषभ आपको समझ में आ रहा है, विवेक आप लोग तो गूगल क्लासरूम में है, सब क्लास में तो लेक्चर दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, अच्छा हाँ दूसरी बात आप लोग का जो कंपनी चल रहा है कि नहीं, हम लोग भूल गए बोलने से, बहुत कंपनी का कितना लेक्चर खत्म हुआ आप लोग का पूरा, यस सर,
अरे आप लोग का रेशियो चल रहा है, चुप रहिए आप लोग। आप लोग कंपनी चल रहा है, रेशियो चल रहा है। तो आप लोग क्या बोल रही हैं? ये लोग का रेशियो चल, कंपनी आप लोग का रेशियो। एक मिनट आप लोग रुक जाइए। आप लोग कंपनी में चार लेक्चर खत्म हुआ था, तो अभी लेक्चर खत्म करने के बाद आपसे हम 15 मिनट आउट क्लास रख लेंगे, ठीक है? और आप लोग शाम में आइएगा तो आप लोग रेशियो का आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कंटिन्यू कर देंगे उसको भी। यस सर। चलिए, तो चार नंबर क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चार नंबर भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? आफिया, यास्फा है कि नहीं लाइन पे? यस सर है। आफिया? यस सर, बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल मिला लीजिए का आंसर आप लोग। चलिए पांचवा नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये तो बना हुआ है, तो और इजी हो गया। ये तो बना हुआ है पूरा, खाली दो कॉलम आगे में ऐड करना है। यस सर। यस सर। एडजस्टमेंट कहां जाएगा वो? अच्छा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अच्छा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बोलता है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर टैक्स। कहने का मतलब अदर एक्सपेंसेस में से 1,10,000 में से प्रोविजन फॉर टैक्स है 60,000 और 1,10,000, इसमें 60 माइनस करेंगे, इसमें 1,10 माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट निकले कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना आपका, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से निकाल करके यहाँ लाना है, इसमें से 60,000 निकाल के यहाँ ले लेंगे, इसमें से 1,10 माइनस करके यहाँ ले लेंगे। या आप क्वेश्चन पढ़े नहीं तो नहीं पूछते। आफिया है ना? यस सर। यस सर, सही बात है सर, बेकार पूछ दिए। नहीं गलत की सही? क्या लग रहा है? अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या करेंगे? माइनस करना था। अब एक्सपेंसेस में डालेंगे? नहीं, हाँ एडजस्टमेंट है, यहाँ से माइनस कर लेंगे, हो गया तो बन जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ये भी होमवर्क रहेगा। चलिए देख लीजिए ये वाला। नहीं, ये 1,10 था ना, तो इसमें से माइनस कर लिए, यहाँ 50 कर दिए, यहाँ पर 60 कर दिए, 1,10 यहाँ पे कर दिए, 1,10 यहाँ पे कर दिए, 2,20 था क्या? Yes, sir. ये 2,20 था, तो 2,20 में 1,10 निकाल लिए, तो 1,10 यहाँ रह गया, 1,10 यहाँ हो गया, ये एडजस्टमेंट है। पक्का समझ में आया? क्लियर? यस सर। चलिए ज्यादा हो जाएगा कि बड़का बड़का क्वेश्चन है, नहीं समझे? फोफी हल्का होता है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता तो भी भारी हो जाता है थोड़ा देर के बाद। गलत की 10 उंगली तक कंट्रोल करता है, यार आता है तो सोचते हैं क्या करें। नहीं गलत की सही? यस सर। प्रॉब्लम हो जाता है। पांच, एक से लेके हम लोग आज 2, 3, 4, 5 पांच क्वेश्चन काफी है क्या कि आप लोग को रेशियो ही पढ़ना पड़ेगा, कंपनी ही पढ़ना पड़ेगा ना? एक और बता दें, एक्चुअली आप लोग का चैप्टर बचा कहाँ है? अब हम देख रहे हैं आप लोग का लगभग खत्म हो गया सिलेबस, खाली बचा हुआ आप लोग का डिवेंचर, इसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट है, उसके बाद बचता क्या है आपका? डिवेंचर खाली बच रहा है, और कहाँ बच रहा है कुछ? कभी नोटिस किए हैं आप लोग? हाँ यस सर। आप लोग कुछ बचा ही नहीं, देख लीजिए एक बार तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी रेशियो और कंपनी तो साथ साथ में खत्म हो जाएगा, आपको उसके अलग से लेक्चर लेने की जरूरत ही नहीं है। खाली बचता है आपका बस इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इशू ऑफ डिबेंचर पूरा कम इशू ऑफ शेयर ही है, तो खाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका एक चैप्टर बच जाएगा जो सबसे अच्छा। हाँ, एक इधर बचा हुआ है, अमलगमेशन ऑफ फॉर्म बचा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, एनपीओ ये खत्म हो गया, एनपीओ आपका साझेदारी फॉर्म का जो था फंडामेंटल खत्म है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी खत्म है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म है, साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म है, रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट देते एक्चुअली, अच्छा ठीक है इसको, अच्छा इसके बाद हम इसको उसी को शुरू कर लेते हैं, चेंज हो जाएगा ये, कुछ नहीं एक्चुअली 2 दिन का लेक्चर है, मेन आपको ये टाइम लेगा थोड़ा सा, मतलब मेन चैप्टर ये बचा हुआ है, एक्चुअली ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, एक्चुअली जो था ना ये वाला एडमिशन, तो रिटायरमेंट और डेथ में अंतर है ही नहीं, बस लास्ट का बोले नहीं 10% अंतर है, बाकी सब कुछ वही चीज है, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है? चलिए कंपनी में आपका कंपनी खत्म है, ये सब केरी है, इशू ऑफ शेयर खत्म हो ही रहा है आप लोगों का, रिडम्पशन वाला लगभग लगभग आप लोगों को सिखाई दिए, वो लोग में सिखाई दिए, 4 पिक्चर तक हो गया, खाली री इशू है, तो 2 दिन का लेक्चर इसमें बचा हुआ है बस,
रिटर्न्स ऑन, आप लोग ऑनलाइन जा रहे हैं आवाज, क्योंकि कॉल आ रही है, एक मिनट रुकिए। यस सर, यस सर, यस सर। कॉल कौन कर रहा है, गुस्सा आ जाता है, रुकिए आप लोग के साथ, आप लोग का अभी हैंग हो जाएगा थोड़ा। हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा सर, अभी हम ऑनलाइन क्लास में हम बात करते हैं आराम से। ठीक ठीक चलिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाई दिए हैं आपको, अभी विश्लेषण, ये पूरा थियोरिटिकल पार्ट है, टारगेट कोर्स में थ्योरी पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ये थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अभी पढ़ रहे हैं, तो जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट है, समझ पा रहे हैं, तो समझ में आ गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ नहीं है, उसी तरह का क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बस फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, खाली बस रेशियो निकालना है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद रेशियो खत्म हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया, खत्म हो गया, पक्का है, और मॉडल पेपर आ रहा है, मॉडल पेपर टारगेट कोर्स में मॉडल पेपर कर देंगे हम लोग, पक्का। मॉडल पेपर के बाद क्या आएगा, आपका बोर्ड का एग्जाम का पेपर आएगा, ये भी खत्म कर देंगे हम, खत्म करेंगे ये आप खत्म कीजिएगा, ये वाला ये आप खत्म कीजिएगा, ठीक है, तो टेंशन का बात है नहीं, इसी हड़बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक है, चार पांच क्वेश्चन, ये तो सिंपल एच टू खींचे लीजिए, क्या कीजिएगा, फॉर्मेट बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस हो गया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, इसका 150% है, मतलब 5 लाख है तो इसका 150% है, मतलब इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख का 150% कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.5 लाख दिया हुआ है, तो घुमा करके दे दिया, नहीं समझे, 250% है, तो 6 लाख का 250% कितना होगा, 6 6 12 12 और 3 15 15 लाख होगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7.5 लाख और 15 लाख, जिसको घुमा के दे दिया, बाकी अदर एक्सपेंस इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ, कोई दिक्कत एकदम इजी है, yes, तो ये भी होमवर्क हो गया, पता है इसमें जो जो पढ़ा है ना उसको लगता है सच में इजी है, जिसको नहीं लग रहा होगा ना बोलता है देखो किसे भगा रहा है झूठो का, इजी है इजी है इजी है, नहीं समझ रहे है? समझ रहे हैं, उसको लगता होगा, जो नहीं पढ़ा उसको लगता होगा, क्या करिश्मा गलत की सही, यस सर, लग रहा है ना कि हम झूठो बोल रहे हैं, इजी है इजी है, झूठ नहीं तो है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम लेक्चर नहीं ने देखे अभी, नहीं ये तो इजी है कैसे बोल दिया आप, नहीं देखिए आपको इजी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब देखिए क्या होता है हम लोग का लॉजिक क्या है, जब तक आप तैरना नहीं सीखते तब तक बहुत टफ लगता है, जिस दिन सीख जाते हैं इजी, साइकिल चलाना जब तक नहीं सीखते हैं बहुत टफ लगता है, जब सीख जाते हैं इजी, मोटरसाइकिल जब तक नहीं चलाने आता तब तक बहुत टफ लगता है, सीखने के बाद इजी लगता है, जब तक कार नहीं सीखे तब तक टफ लगता है, जब सीख जाते इजी लगता है, तो करिश्मा आपको ही कैसे इजी लग रहा है, आपको समझाइए, कल टिकटॉक की जगह आप कल ये देख रहे थे, स्नैपचैट देख रहे थे, नहीं समझे, तो बहुत अच्छा लगा था, राम ने रावण को मारा आर आर, नहीं समझे, कृष्ण ने कंस को मारा, और फिर से क्या था ऐसा करके, और क्या क्या था, दो चार को था, हाँ गोडसे ने गांधी को मारा, और क्या था, एक और था, उसके बाद लास्ट में बोलता है कटप्पा ने बाहुबली को मारा, रॉन्ग नंबर है, ये कैसे मारा, नहीं समझ आ रहा है, समझे करिश्मा, इसका सुनाने का मतलब समझिए, जब हमको पता है जब तक हमको तैरना नहीं आता है तब तक टफ लगता है, सीखने के बाद इजी, yes, साइकिल जब तक नहीं चलाने आता तब तक टफ लगता है, सीखने के बाद इजी, मोटरसाइकिल जब तक चलाने नहीं आता टफ लगता है, सीखने के बाद इजी, कार जब तक नहीं चलाने आता तब तक टफ लगता है, नहीं कार चलाने आता, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, तो ट्रक चलाने नहीं आता तो टफ लगता है, सीख जाते इजी, अब बोलिए अब हुआ क्या, और आगे बढ़े, ट्रेन पे बढ़े आज तक पहुंच जाएंगे, उसका शांत हो जाइएगा, जमीन पे आ जाइएगा, कहने का मतलब ये है, नहीं बोले जा जाओ तो पे ले जाएंगे, तो कहने का मतलब आपको जब नहीं बन पा रहा था आप इजी कैसे बोल रहे सर, इजी तो है, आपको टफ लग रहा होगा, हाँ तो बस तो इजी कैसे बोले, तो आप लेक्चर देखिए शाम में आपको गाइड कर देंगे, समझ पा रहे हैं, और बहुत लोग आपसे आशा लगाया हुआ है, क्या चिता गलत की सही सहेली, यस सर, आपसे खाली हमको आशा नहीं है, पूरे क्लास को आशा है आपसे, क्या संदेह, सही गलत, यस सर, ठीक, तो शाम में आइए आप करिश्मा, ठीक है, अच्छा से प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा, ठीक,
चलिए तो आप लोग का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, 6 तक आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है? जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा और शाम में आइए तो हम लोग फिर रेशियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक, बाय बाय सर, बाय बाय।